पॉलिश कर रहा है पूरी बाइक। फिर मैंने बोला यार क्या कर सकते हैं, अब एक काम करते हैं शाहीबाग, मैं खुद जाता हूँ ट्राई करता हूँ। अपने चैनल में ऐसा है कि अभी तक किसी को चेहरा नहीं पता, आपने देख लिया बाकी किसी को। आज का मेमो ले लो। सो गाइस ये देख रहे हो आप सामने बंदा, अभी जिससे मैंने फ़ोन एक्सचेंज किया है। तो फ़ोन अभी अपने पास नया आ गया है, एक्सचेंज हो गया है, और ये पुराना जो टूटा फूटा फ़ोन है ये अभी डिस्कार्ड ही कर देंगे, परेशान हो गए इससे। तो अभी फ़ोन की बातें छोड़ते हैं और अभी निकलते हैं, काम की बात करते हैं। तो मैं अभी निकल रहा हूँ सर्विस सेंटर की तरफ, क्योंकि बाइक का हो चुका है, ड्यू डेट हो चुकी है सर्विस की, सेकेंड सर्विस की। जिन लोगों ने फर्स्ट सर्विस का वीडियो नहीं देखा वो देख सकते हैं, ऊपर आई कार्ड होगा। अभी हम सेकेंड सर्विस के लिए जा रहे हैं। एक्चुअली अभी आज 13th है, कल और परसों हॉलीडे है पूरे गुजरात में बिकॉज ऑफ मकर संक्रांति। अब वो हॉलीडे है तो सर्विस सेंटर्स भी नहीं खुलेंगे, और मेरा 14 या 15 को टूरिंग का प्लान है। तो मैंने सोचा जब सर्विस ड्यू हो गई है तो सर्विस करा के ही निकलते हैं, वही अच्छा रहेगा और वही सेंसिबल मूव होगा। लेट्स सी, और आप देख सकते हैं कि मैं उनसे जाऊँगा, कैसे बात करूँगा, उनको क्या क्या बोलूँगा कि क्या क्या गाड़ी में ध्यान देना है, किस तरीके से आपको अपनी गाड़ी की छोटी छोटी चीज़ों के बारे में समझना है और उनको एक्सप्लेन करना है कि भाई ये कर दे, ऐसे कर दे, थोड़ा ये सेटिंग कर देना, तो वो सब मैं कैसे उनसे बात करूँगा, आप देखते रहना। तो गाइस ये अभी हम लोग आ चुके हैं शाहीबाग, यहीं पे मैं आता हूँ सर्विस करवाने, यहाँ पे एक वर्कशॉप है। और शाहीबाग में 2004-05 से लेके 2010-11 तक मेरा पूरा स्कूलिंग और ट्यूशंस इधर ही, मतलब मेरा पूरा अड्डा था, फ्रेंड सर्कल था यहाँ पे। तो अगर मैं अहमदाबाद और गांधीनगर के जितने भी सर्विस सेंटर की बात करूँ, तो मेरे को मैंने जब रिसर्च किया, कुछ फ्रेंड्स के थ्रू पूछा, तो हर जगह मुझे नेगेटिव रिस्पॉन्स ही मिल रहा था। तो आप लोग अगर अहमदाबाद गांधीनगर में रहते हो तो आप इस सर्विस सेंटर पर आ सकते हो, मैं इसकी जो भी डिटेल्स है मैं आपको नीचे मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो कोई ऐसे कोई रिस्पॉन्स तो कोई ढंग का पे दे नहीं रहा, वेट कर रहा हूँ मैं, देखते कौन आता है अभी। क्योंकि पहले क्या होता है ना, ये जो बंदे होते हैं शर्ट पैंट शर्ट में फॉर्मल्स में, ये लोग जॉब कार्ड असाइन करते हैं, तो इसके बाद उसका जॉब कार्ड बनता है, उसमें हम कुछ लिखवा सकते हैं कि कोई भी चीज़ें आपको फॉल्ट लग रही है चेक करनी हो वो लिखवा सकते हो आप, तो वो भी जॉब कार्ड बनेगा। फिर जॉब कार्ड के बाद ये लोग नीचे जाएंगे और नीचे जाके ये लोग देंगे क्या बोलते हैं, जो भी मैकेनिक है उसको गाड़ी असाइन होगी, फिर वो रिपेयर करेगा। आप डायरेक्टली मैकेनिक को अप्रोच नहीं कर सकते, आपको इनके थ्रू जाना पड़ेगा, लाइक एक लेयर्ड पूरा प्रोसेस है। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि इसका जॉब कार्ड बने, फिर गाड़ी नीचे रिपेयरिंग के लिए जाए। BS4 वाला है क्या? कितना टाइम हो गया इसको लिए हुए? एक साल हो गया। हाँ लग रहा है एकदम, पूरा फेड वेड होना चालू हो गया। नहीं ये क्या है, इसमें वो किचन था ना। अरे साला मैंने भी वही लगाया, मैं अभी निकाल देने वाला हूँ उसकी वजह से। साला मेरे को बाद में पता, मैंने आप क्या करूँ। नहीं मैंने भी किचन चलाते ना अपने, तो यूँ झटके आए ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मैंने भी वही किचन लगाया, मैं निकालने वाला हूँ उसकी वजह से ही हुआ। मेरे किचन चल कैसी रही, एक साल हो गया तो मज़ा आ रहा है आपकी? तो फ्रेंड सर्कल में होगी, किसी के पास पल्सर वल्सर होगी तो? हाँ पल्सर भी है। कंपैरिजन मालूम चल रहा होगा? हाँ, उसका और इसका मस्त चल रहा है। मेरे फ्रेंड सर्कल में 4 जने का पल्सर है, तो मैंने ये लिया, अच्छी चल रही है। अभी सर्विस क्या पेड चालू हो गई कि फ्री में है अभी? अभी तो खत्म हो गई होगी ना सारी? वो खत्म हो गई, अभी यहाँ कार्ड बनवा लिया था ना मैंने। ओके ओके, एक साल का वापस कार्ड रिन्यू करा लेने का। ओके, उसमें कितना, एक साथ सारा पेमेंट हो जाता है? हाँ एक साथ ही पूरा पेमेंट हो जाए, यहीं पे करा लेना। यहीं पे करा लिया है, मेरी गाड़ी यूपी की है। ओके ओके, कोई भी सर्विस सेंटर से आप वहाँ से यहाँ पे लेके आया? तुमने तो पहचाना नहीं होगा। बढ़िया पहचान लिया है, साकिब है नीचे? हाँ नीचे बुलाओ। वो कार्ड बना दिए? नहीं वो काम कर रहा है, ये मेरी है। ओके, 200 भी खड़ी है सामने, क्या बात है। 200 बढ़िया लग रही है यार, दिखने में अच्छा लग रहा है। वैसे भी उस लड़के ने बोला ना कि ये इसका भी ये निकालना है, ये मैं निकाल दूंगा, वरना तो यार ये पूरा स्क्रैच मार देगा। सही बोल रहा था वो कि ये वाला किचन निकालना पड़ेगा। आई थिंक वो BS4 है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, दैट इज 200 BS4। और वो क्या बोलते हैं, जितने भी फास्टनर्स है ना इसमें गाड़ी में, वो एक बार चेक कर ले, टाइट कर दे यार, वो प्रॉपर हो जाएगा वो कम्प्लीट। और कोई दिक्कत सर? बाकी इसमें नहीं, और तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जनरल चेकअप,
ये हो जाएगा मेरे को, मिल जाएगा मतलब एक एक डेढ़ घंटे में चाहिए यार, है ना? एक डेढ़ घंटे ओके बोल, मैं वेट चलेगा ना, 4:30 बजे आप बोलना, होता साकी को बोलना फास्ट फास्ट कर दे यार, एक्सप्रेस लिखा है। हाँ ठीक है करवा दो यार, अभी तो ऐसे कोई वेटिंग में तो नहीं है ना कोई गाड़ी वाड़ी, अभी सुबह की सब चालू है, सुबह की सब मेजर मेजर चालू है। मैं इसलिए फ़ोन करके आया, पहले ही फ़ोन करके आया, दोपहर को मैं फ़ोन करके आया हूँ, बस साइड इंडिकेटर्स खाली हेलोजन वाले हैं, बाकी सब LED है इसके अंदर। ठीक है, किसी को पसंद आता है ये वाला, किसी को नहीं आता, ऐसा अपना पर्सनल चॉइस है। नहीं ये डबल डिस्क वाला है ना, तो इसका पीछे वाला टायर बड़ा है। ये डबल डिस्क अरे हो सके तो साकिब को पकड़ाना, साकिब को ही दे दो, हाँ उसी को दे दो, उसके अपना है कनेक्शन है, ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? नीरव। ठीक है, कंपनी ने दिया क्या? अपना YouTube चैनल है भाई। अच्छा, अपना TVS का ही चैनल है पूरा। ऐसा? हाँ कभी सर्च मारना तो पता चलेगा आपको। अपने चैनल में ऐसा है कि अभी तक किसी को चेहरा नहीं पता, आपने देख लिया, बाकी किसी को पता नहीं है। कभी YouTube में टाइम मिले तो सर्च करना, पहचान लेते हो हेलमेट के अंदर से भी है। अच्छा बिना किक वाले में प्रॉब्लम नहीं आता, बंद हो जाएगा? नहीं, सबका यही प्रॉब्लम है कि ठंड में होता है, बट ऐसा गुजरात में तो नहीं आएगा। अभी आप UP दिल्ली हिमाचल हिमाचल साइड जाओगे तो अगर गाड़ी महीना दो महीना बंद रही तो दिक्कत हो सकती है, वैसे तो नहीं प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी लाने आए थे, चलो चलो। अरे पता क्या, मुझे कल यार मुंबई के लिए निकलना है, तो इसलिए मैं तुझे स्पेशली बोलने वाला था कि भाई थोड़ा सा एक बार बोल्ट वोल्ट फास्टनर सब टाइट कर देना, एक बार आँख मार देना बढ़िया से, कोई दिक्कत ना आए मेरे को। हाँ बदल दो कर दो। नहीं पहले क्लीन होती है, क्लीन हो गई, पहले धोती है फिर बाद में सर्विसिंग। ओके फिर गुड के आपका डब्बे लगते हैं, तो गाड़ी धुल गई। हाँ ओके बराबर। तो मुंबई गए थे तो स्पेशली क्या मतलब, दरगाह के लिए स्पेशली? तो कैसे ट्रेन में गए थे? ट्रेन सब चालू है, मेरे को भी जाने का था, मैं पिछले बाइक लेके जा रहा हूँ। तो मैंने बोला बाइक है तो बाइक लेके चलते हैं, लोकल बंद है ना? हाँ लोकल में बैठ के आया। क्या बात कर रहे हो, वो तो खाली वकील लोग के लिए चालू है ना, लोकल में भीड़ थी, लोकल तो मुंबई में बंद नहीं कर रखा। अरे कहाँ गया, फोटो में बताता हूँ देखो। तो टिकट विकेट सब काउंटर वाउंटर सब चालू है ऐसा? 30 रुपये वाला टिकट लिया। ये देखो है ना, हुडी वुडी डाली है, क्या बात है, कौन बोलेगा TVS का मैकेनिक है। चलो बढ़िया है यार, कर दो फिर। मैं ये बोल रहा था कि थोड़ा सा ना एक बार फास्टनर्स देख लेना, और इंजन ऑयल का थोड़ा सा नट बोल्ट है वो देख लेना टाइट रहे, फ्री प्ले एक बार देख लेना, ग्रीसिंग सब, जो भी ग्रीसिंग अगर जरूरत पड़े तो स्विचेस में सब में ग्रीसिंग कर देना यार, मुझे अगर रास्ते में कोई दिक्कत ना आए, 1000 किलोमीटर चला के आना है मेरे को वापस। ग्रीसिंग होती है ना वैसे तो सर्विस में, जनरल सर्विस में ग्रीसिंग होती है? मतलब वो जो कुछ स्प्रे वे कुछ, इसमें कुछ स्प्रे वे आता ना बटन में, मजा नहीं आएगा। समझ गया मैं, जो जरूरत होनी चाहिए ना वो तो अपने हिसाब से कर ले, एक्स्ट्रा कुछ भी होगा तो मैं तेरे को दे दूंगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं करे बता, सब राइडर होगी गाड़ी में, बना दो या TVS। बस ठीक है, कर ले फिर, जो 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 चीज़ जरूरत तुझे लग रही है ना कि होनी चाहिए एक इंस्पेक्शन, तो इंस्पेक्शन कर लेना, स्पार्क प्लग का इंस्पेक्शन होता है तुम्हारी सर्विस में, तो सब देख लेना। ठीक है निकलता हूँ मैं, ठीक है ऊपर ही बैठा हूँ, क्या करूँगा यहाँ पे, ठीक है तुम्हारे सामने बदलने का है ना? हाँ तो कर दे, वो मैं खड़ा हूँ। हाँ ठीक है, ये कौन सा डलता है इसमें? True 4 वाला ना, TVS का True 4 सिंथेटिक वाला। तो खाली मेनली जो प्री सर्विस जो प्राइसिंग अपना होता है इसका और फिल्टर का ही होता है ना, बाकी तो कुछ प्राइसिंग नहीं होता ना, ये मेनली है। हाँ मुझे जैसे एक बात पूछनी है, जैसे एक मेरा फ्रेंड का पुरानी गाड़ी है, उसको स्पार्क प्लग नया लेने का है, तो कौन सा लेना चाहिए? कौन सी गाड़ी का? उसकी NS पल्सर। NGK का ले लो, छोटे वाला पॉइंट वाला NGK NS पल्सर के लिए, और इसके लिए अपने को आगे जाके चेंज कराना होता है, उसके लिए कौन सा अच्छा रहता है? इसके अंदर कंपनी का ही बेटर है, कंपनी का ही बेटर रहता है। कब आए तो मुंबई में? कितने दिन का? मैं 4 दिन रुका है। फैमिली है वहाँ पे? फैमिली है, मेरे ससुराल वाले हैं। तो भाभी साथ में गई थी? नहीं, खाली तुम अकेले? फ्रेंड लोग गए थे। मतलब बच्चा छोटा है तुम्हारा है ना? बच्चा तुम्हारा छोटा है ना अभी? तो 6 महीने की है। ओहो हो, 6 महीने की है। ऐसे तो हर सर्विस में ऑयल अपने चेंज करवा ही लेते हैं ना, तो हाँ हाँ नहीं बराबर। मैं इसीलिए तो मैं कल निकलने वाला था ना, मैंने कहा मैं जाऊँगा आऊँगा तो 1000 हो जाएगा तो दिक्कत पड़ जाएगा, इसलिए मैं फिर पहले ही करवा लिया। फिर से चेन बैन मैंने क्लीन कर दिए, हो गया करके देता। जब तूने चेक किया होगा तो ठीक था? पहले मैंने चेक किया, उन्होंने
हाँ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। किसकी गाड़ी है? ओके फ्रेंड की है। अभी तक मेरे पास से जब से ली ना 2010 से ली है, एक ने 2009 से ली है। दोनों की गाड़ी अभी तक मेरे हाथ में ही सर्विसिंग होती है, अभी तक दोनों का इंजन ही नहीं खुला। अभी तो बहुत जबरदस्त सोमवार का ट्रैफिक में बहुत नड़ेगा। ऐसा छुट्टी सोच के हाईवे पे तो आंदर नहीं आएगा मुंबई में। अंदर बहुत ट्रैफिक है क्योंकि लोकल में ज्यादातर अभी कोई बैठता नहीं है। अंधेरी से बोरी वाली आते आते हमारे को एक सवा घंटा हो गया। रिक्शे में अब तुम बोलो डरा दे तू पहले ही है। नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ इसलिए। राइड का मजा ही कुछ अलग। बैठो मैं अब देख लेता। मैं चलो फिर ऊपर। हाँ बैठो तुम, ठीक करो तुम। कैसे हो? बढ़िया। तो फिलहाल अभी मुझे आधा एक घंटा तो वेट करना ही पड़ेगा, तो मैंने सोचा कि थोड़ा पानी वानी ले लें, थोड़ा चेंज भी करवाना था मेरे को। गाड़ी अपनी रेडी हो गई है, तो मैंने मना किया था इसको कि मत कर दो, तू रहने दे, माना नहीं। इसने सर्विस धो ही दी इसने गाड़ी। डिपर चौंड जाएगा अभी। तो गाड़ी लेके निकल गया है साकिब। कहाँ गया ये? अगर राउंड मारने गया है। ओके यहाँ पे लग गया है, यहाँ पॉलिश वॉलिश होगा वो। ऐसे चल चेक करते हैं, देखता है कि नहीं। कब छुट्टी होगी? शाम को 7 बजे। 7 बजे तक है? 9 बजे आता है। तुम्हारा वाला टाइमिंग नहीं है। 10 से ज़्यादा है ना। पहले मुंबई में था मैं 3 साल, अभी यहाँ पे कोरोना में आके अटक गया मैं। निकलने वाला था बट फिर कोरोना हो गया, तो फिर बोला यहीं पे रुक जाते। फिर यहीं पे गांधीनगर में इन्फोसिटी में लग गया मैं। तो वहाँ पे लोग भी तो यार अंधा होकर निकलते हैं, कोई कोई कोरोना किसी को पड़ी नहीं है, ऐसे निकल रहे हैं सब लोग। तो भी BMG वाला है, तू दूंगा भाई। मास्क का मेमो ले लो। ये बता होंडा में अपना जो CB 350 मॉडल है कैसा है वो? जबरदस्त, जापान टेक्नोलॉजी से चलती है। अभी हाल में भी जापान में जाते हैं, आया हूँ हर साल में, जापान ही जाते हैं रिव्यू के लिए आते हैं, कैसा चलता है सब चेक करके जाते हैं। कब तक होगा इसका? 5-10 मिनट लगेगा। चल तो फिर निकल तू, अपना काम हम देख है ना। थैंक यू यार। मैं तू नहीं होता ना सच बता रहा हूँ, मैं अभी आगे सर्विस करवाता, इसलिए मैंने तेरे को पहले ही पूछ लिया था कि भाई साकिब तू यहाँ पे है कि नहीं। TVS की राइड भी थी ना, तो राइड पे भी मेरे को अपना वो AOG वाला मेरे को बुलाया, इनवाइट किया मैंने, तो मैं तो एग्जिट मार दिया भाई। मैंने कहा अपने अपने सोलो वाले हैं, अपने कोई सब में नहीं पढ़ने गए, पता था तू होता ना तो मैं ज़्यादा पक्का। मैं एक्चुअली मैं बैठा था एम्बुलेंस में ही बैठा था, मेरे को गाड़ी मेरे को सर ने बोला बोले ये अपनी ले ले, ओ भाई नहीं सर काम करके पैसा ले। ये मस्त आदमी है, क्या क्या नाम है इसका? ये तो बिंदास है ना। इसका क्या है, इसका इसका मेन का काम क्या है इधर? ये ब्रेकडाउन वाला महाराज है ऐसा, पिकअप और ड्रॉप गाड़ी का। ये रख। अरे नहीं नहीं तेरे को नहीं दे रहा मैं, सुन सुन। अरे मैं तेरे को नहीं दे रहा, मैं अपनी बच्ची को दे रहा हूँ उसके लिए कुछ थोड़ा। अरे नहीं, अरे नहीं तू इतना तूने रिलेशन किया तो ऐसा ना होता है। चल थैंक यू यार, चल तू जा, चाय वाय भी बैठ, मैं निकलता हूँ गाड़ी लेके पूछता हूँ, ठीक है? चलो ओके, मिलते बाद में। चलो थैंक यू। क्या नाम है? रमन। रमन दिक्कत बता दे। अरे दिक्कत अब क्या आएगी, ठीक है। ऑल राइट गाइस, सो फाइनली मैंने एक राइड ले लिया 400-500 मीटर का, तसल्ली हो गई। ऑलरेडी उसने कर लिया था तो मैं तो उस पर पूरा विश्वास है मेरे को, पर फिर भी मैंने एक बार ले लिया है। अभी मैं घर निकल रहा हूँ, सर्विस हो चुकी है,
जो भी टोटल बिलिंग है, क्या चेंज हुआ, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो गाइस, दैट वाज ऑल। दिस इज हेलमेट डूड विद दिस वीडियो ऑफ माय सेकंड ऑफ रागनार। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट मोटो व्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। तो अभी मैं आपको फोटोज दिखाता हूँ कुछ।